कुछ बचा है क्या? चश्मा बचा है? नहीं अभी चश्मा ले लो। नहीं लिया चश्मा। नहीं लिया चश्मा। चश्मा देखो उधर लास्ट में मिल जाएगा। मतलब एकदम स्टॉक रख लो सब, क्योंकि आगे भी काम आएगा ना। फिर आप कौन देगा इतना? दादा एक सवाल मैं खाली आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा कैंप इतनी सारी चीजें की नहीं, इसी के साथ में अभी कपिल पाटिल साहब थे केंद्रीय मंत्री, तो अगर जो भिवंडी की जो IGM हॉस्पिटल है अगर उसको भी इसी तरह से सक्षम किया जाए ताकि वो हमेशा का एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। ये तो कैंप है अपना, एक दिन का है दो दिन का रहेगा, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन बन जाएगा और लोगों को हमेशा हमेशा की जो है तकलीफ से दूर हो जाएगी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। भिवंडी के लोगों के लिए खुशखबर, अब अपने घर या ऑफिस के इंटीरियर को बनाइए और भी बेहतर CNC एंड लेजर आर्ट से, जहां आपको सभी तरह की डिजाइनर जाली किसी भी मटेरियल पर कट करके मिलेगी, जैसे ACP, WCP, MDF, वुड कटिंग एंड वुड कार्विंग कम दामों में किया जाता है। साथ ही बुरखे पर होने वाले स्टोन वर्क का भी काम किया जाता है। पता है CNC लेजर आर्ट, मंगल बाजार स्लैब नियर राबिया मस्जिद भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस का सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी के पद्मा नगर इलाके में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे केंद्र मंत्री हैं श्री कपिल पाटिल, तो उनका 5 मार्च को जन्मदिन है और ये उनका पूरा जन्मदिन सोहा मनाया जा रहा है। पूरा सप्ताह जो है उनका जन्मदिन के ऊपर अलग अलग तरीके के सामाजिक कार्य हो गए। तो आज 3 मार्च को भिवंडी के पद्मा नगर में उनके जो भतीजे हैं सुमित पाटिल, जो कि यहाँ के नगर सेवक भी थे और साथ ही साथ में सभागृह नेता भी थे, तो सुमित पाटिल द्वारा यहाँ पे एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेडिकल चेकअप कैंप नहीं है, यहाँ पे फ्री में जो है बहुत सारी चीजें, जैसे कि चश्मे जो है, अगर किसी को चश्मा लगता है आंखों की जांच होने के बाद में, तो ऐसे 6,000 से ज्यादा चश्मे बांटे जाएंगे। साथ ही साथ में अगर किसी को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑपरेशन का खर्च भी जो है यहाँ पे इनकी जो फाउंडेशन है वो उठाएंगी। तो क्या है सारा ये देखते हैं हम लोग के किस तरह से जो है ये कैंप लगाया गया। मैं आपको बता दूं कि कैंप जो है काफी विशाल है और काफी ज्यादा तादाद में जो है भीड़ आई है, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के, जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है, फिर बाद में ब्लड चेकअप है और ECG कार्डियोलॉजिस्ट, फिर BMD टेस्ट, न्यूरोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, आए है गायनेकोलॉजिस्ट, साथ साथ में हिजामा भी है और आई टेस्ट भी है। तो बड़ा विशाल कैंप लगा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि पब्लिक जो है ये काफी तादाद में यहाँ पे आई है। तो देखते हैं क्या सारा कैंप है, थोड़ा सा हम लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या है। साइड में दर्द के लिए और चश्मा के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये कैंप किसकी तरफ से, ये पता है आपको? सुमित पाटिल ने क्यों लगाया कैंप, ये पता है? क्योंकि यहाँ पे उनका बर्थडे भी था, उनके पिताजी का बर्थडे था। अच्छा, इसके लिए कपिल पाटिल जी का बर्थडे था, इसके लिए लगाया? नहीं, और गरीबों के लिए सहायता, गरीबों के लिए लगाया, सहायता के लिए। जी 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 जी, बहुत अच्छा बोला आपने। आप क्यों आए यहाँ पे बताओ मेरे? दवा लेने के लिए आए, दवा लेने का, खर्च करने का। हाँ हाँ, तो कुछ दवा लिया आपने? दवा लिया। काय का दवा लिया? जोड़ों का दर्द? जोड़ों का दवा, हड्डी का दवा, जोड़ों का दवा, और ब्लड शुगर, डायबिटीज का नहीं लिया। अच्छा, मतलब डायबिटीज नहीं है? खुजली का लिया। खुजली का बहुत फैल गया आजकल, क्या बात है? भिवंडी के अंदर बहुत खुजली का दवा है, बराबर नहीं ना? हाँ, इसके लिए खून खराब है, इसलिए खुजली ज्यादा है। खून खराब होने की वजह से खुजली ज्यादा हो रही है? मेन हुआ है, ऊपर से लगाने से कम होते हैं, फिर आते हैं अंदर से, जो कहा लिक्विड पिया इसलिए बंद होता है। खून साफ होगा तो खुजली नहीं आता। तो इसके लिए खून सफा की दवा लिए कि नहीं लिए ना? अच्छा, कुछ बचा है क्या? चश्मा बचा है? नहीं, अभी चश्मा ले लो। नहीं लिया चश्मा। नहीं लिया चश्मा देखो उधर लास्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद, ठीक है। और ये कैंप क्यों लगा है पता आपको? कैंप लगा सभी पब्लिक के लिए, अपना कपिल साहब ने लगवाया, सभी को चेकअप कराया। आप रहने को किधर? मैं रहता हूँ इधर ही, थोड़ा आगे पद्मा नगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा भाई भी आया, हम भी आया, बहुत लोग आया। अच्छा, बहुत दवा लिया, बहुत चेकअप किया, बहुत पब्लिक है। मतलब एकदम स्टॉक रख लो सब, क्योंकि आगे भी काम आएगा ना। फिर आप कौन देगा इतना? चलिए ठीक है, थैंक यू। HIV का जांच हो रहा है यहाँ पे, जो फ्री में होता है, जो बाहर HIV की जो प्राइवेट लैब में 350-400 रुपए लगते हैं, वो हम लोग जांच फ्री में करके, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये जांच फ्री में होता है। सिर्फ HIV कर रहे हैं और TB स्क्रीनिंग, किसी को 15 दिन से ज्यादा खांसी आ रही है या सीने में दर्द हो रहा है, तो उसका हम लोग TB का जांच वगैरह फ्री में कर रहे हैं।
यहाँ पे किसी को अगर खांसी ज्यादा दिन से आ रहा है, टीबी कोई पेशेंट है, या एक्सरे भी फ्री में है, बलगम उसका जांच भी फ्री में है, अपना फ्री में एचआईवी है, एक्सरे यहाँ से डॉक्टर लाहौटी धान नाका पे है, हम यहाँ पे रेफर करेंगे, अपना प्राइवेट से जांच फ्री में, पैसा ही लगेगा, वहाँ जो 400-500 रुपए लगता है यहाँ पे अपना फ्री में होगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। मैं आईजीएम हॉस्पिटल से हूँ, आईसीटीसी काउंसलर, यहाँ पे एचआईवी टेस्ट फ्री में होता है, जो लोग आईजीएम तक नहीं पहुंचते हैं उनका भी इधर सबका फ्री में एचआईवी टेस्ट होता है, और आईजीएम में भी फ्री में ही एचआईवी का टेस्ट होता है। एचआईवी टेस्ट किधर भी जाओ, यूएचपी सेंटर, पीएचसी सेंटर, वो एमसेक्स के अंदर एचआईवी टेस्ट होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या कौन सा टेस्ट हो रहा है? बीपी और शुगर का। बीपी और शुगर का टेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये शुगर का कैसा? खाली स्ट्रिप से हो रहा है? स्ट्रिप से हो रहा है, रैंडम शुगर हो रहा है। रैंडम शुगर से? अच्छा। और इसका बीपी का? तो खाली बीपी टेस्ट कर रहा है। तो ये आपको किसी संस्था द्वारा है या आईजीएम द्वारा? आईजीएम हॉस्पिटल। आईजीएम हॉस्पिटल। ईसीजी तो हो रहा है, कहाँ किसके थ्रू आए आप लोग? आईजीएम के थ्रू आए? हम एसएमबीटी से। हाँ, ऐसा बोलो ना, एसएमबीटी से। अच्छा, एसएमबीटी कहाँ पे है? नासिक में। तो नासिक से है आप लोग? ओके ओके। तो क्या आप लोग ये चेक कर रहे हो, ब्लड शुगर, आरसीबी? हाँ, आरबीएस। हाँ, और पल्स। ठीक ठीक। दोस्तों, हमारे साथ में जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है श्रीनिवास मंगल, तो उनसे बात करेंगे। कि श्रीनिवास जी, बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और क्या क्या खास बात है इसमें? पहली बात तो इस जो कैंप अरेंजमेंट करने का जो मौका जो जिन्होंने दिया है वो है सुमित पाटिल जी, यहाँ के लाड़के नगर से होके, और केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। उनका जन्मदिन 5 तारीख है, बट हम लोग 3 मार्च को यहाँ पे भव्य दिव्य महा आरोग्य शिविर मैंने यहाँ पर कपिल पाटिल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया गया है। अच्छा, नहीं तो इसमें क्या खास बात है, क्या विशेषता है, मतलब किस किस तरह के जो है आप लोगों ने चेकअप रखे और सर्जरी वगैरह आप लोग करवा के देंगे, क्या क्या है बताइए? इसमें सभी प्रकार के यहाँ पे ब्लड टेस्ट, जो ईसीजी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट यहाँ पर हम लोग ने अरेंजमेंट किया है। उसी तरह ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, वो भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, और खास तौर पर जो बोन मिनरल डेंसिटी जो चेकअप है, जो बाहर आप कराने जाएंगे तो कम से कम 1200 रुपए का है, जो बोन मिनरल डेंसिटी बोलेगा तो हड्डियों में कितना कैल्शियम, बीएमडी, वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे पारमेड कंपनी और टोरेंट कंपनी की तरफ से दोनों सहयोग से हम लोग यहाँ पे किया है। इसी तरह बीएमआई, पूरी तरह से अपना बॉडी में कितना मास है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना हाइट है, कितना वेट है, वो सब बता देता है। इसी तरह न्यूरोपैथिक क्या, जो अपने नसों में कितना ये शक्ति है, शक्ति कम है, शक्ति ज्यादा है, वो चीज का है। बाकी आंखों का तो पूरे महाराष्ट्र में पहली बार मैं बोल सकता हूँ, गर्व के साथ बोल सकता हूँ, 10,000 चश्मा यहाँ पर, 10,000 चश्मा, हमने तो 6 बोल दिया था पहले, 10,000 चश्मा लोगों के बड़ा दो सुमित पाटिल ने बोला और 4,000 मंगाओ, हम लोग गर्व से कहेंगे 10,000 चश्मा पूरे महाराष्ट्र में पहली बार हम लोग यहाँ पे। चल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमारे साथ में जो कैंप ऑर्गेनाइज किए है, तो सुमित पाटिल साहब है जो कि यहाँ के नगर सेवक भी, स्थानिक और सभागृह नेता भी रह चुके हैं, तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपने भव्य मेडिकल कैंप लगाया है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, इनके जन्मदिन के तौर पर हर साल हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन इस साल एक महा आरोग्य शिविर जो कपिल पाटिल साहब ने आह्वान किया था कि मेरे जन्मदिन पे केक मत काटो, बुके मत जो, ये सब जो चीज़ें हैं खराब होने वाली चीज़ें, उससे अच्छा आप ऐसा काम करो कि जो लोगों के लिए और गरीब लोगों के उपयोग के लिए वो काम हो, तो उसके लिए हमने ये महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया। आप देख रहे हैं सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है, बहुत सारी शस्त्रक्रिया, बहुत सारे चेकअप्स, और उससे जो निदान होता है रोग, उसके लिए एसएमबीटी हॉस्पिटल, जुपिटर हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, तुम्हारा आईजीएम हॉस्पिटल जी, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी हमसे जुड़े हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को एक ही छत पे लाने का काम आज कपिल पाटिल फाउंडेशन ने किया है, तो मुझे लगता है ये मुझे ही, मैं उनका यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो पूरे भिवंडी वासियों को एक अच्छा मैसेज देने का काम कपिल पाटिल फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। आज यहाँ पे मुफ्त दवाई है, व्हील चेयर से, साइकिल से, दिव्यांग लोगों के लिए चश्मे है,
जो नहीं सुन पाते स्टूडेंट उनके लिए हम लोगों ने हियरिंग एज मंगाई है, उसकी कीमत 21,000 है। ऐसी एक 4.5 लाख की वो मशीन ला के वो बच्चों को हमने यहाँ पे वाटअप किया है। और बहुत सारी चीजें है, BMR मशीन है, उसमें अलग अलग टाइप के आपने देखा रहे इक्विपमेंट हमने यहाँ पे लाए, और बहुत सारे इक्विपमेंट जो अपंग लोग हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे सेवा देने का सेवा देने का। तो मुझे लगता है जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हमेशा आप स्टिक देते हो या कुछ अलग चीज देते हो, तो हमने उनके लिए जो उनकी कमी है उसको ही थोड़ा सा टॉकिंग वॉच हम लोगों ने दिया है, जो बटन दबाने से उनको उनका समय पता चलेगा, आवाज आता है उस वॉच से। तो ये अलग अलग चीजें हमने रखने की कोशिश की है, और मुझे लगता है ये कैंप महाआरोग्य शिविर पूरे भिवंडी वासियों के लिए प्रेरणा, माननीय कपिल पाटिल साहब ने जो मार्गदर्शन हमें किया है, जो मार्ग पे जी हमें चलना सिखाया, राजनीति मत करो समाज नीति करो, तो समाज नीति के कार्य पे हम लोग चल। दादा एक सवाल मैं खाली आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा कैंप इतनी सारी चीजें गिनाई, इसी के साथ में अभी कपिल पाटिल साहब जो है केंद्रीय मंत्री, तो अगर जो भिवंडी की जो IGM हॉस्पिटल है अगर उसको भी इसी तरह से सक्षम किया जाए ताकि वो हमेशा का एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, ये तो कैंप है अपना एक दिन का है दो दिन का रहेगा लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन बन जाएगा और लोगों को हमेशा हमेशा की जो है तकलीफ से दूर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने माननीय कपिल पाटिल साहब से निवेदन दिया जी IGM हॉस्पिटल के बारे में, तो IGM हॉस्पिटल के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने यहाँ पे जाहिर किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 42 करोड़ रुपए की निधि IGM हॉस्पिटल के लिए, जो उप जिला रुग्णालय अभी उसको कहा जाता है, उसके लिए 42 करोड़ की निधि, हमारे वराल देवी तालाब के लिए 200 करोड़ रुपए का DPR माननीय आयुक्त साहब को बनाने बोला है, वो भी जल्द से जल्द जाएगा, और कामवारी नदी का काम ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, उसके लिए DPR और वो जो एजेंसी है वो भी कॉरपोरेशन ने ले चुके हैं, ये अगले 6 महीने से DPR और इसका फॉलोअप चल रहा है, कामवारी नदी और तुम्हारा वराल देवी तालाब। लेकिन कॉरपोरेशन के अभी उसमें देखिए कैसा है, कॉरपोरेशन की लापरवाही बोलनी पड़ेगी। अभी कमिश्नर साहब भी यहाँ पे आए थे तो उनको भी साहब ने कहा कि आप DPR भेजो, प्रस्ताव भेजो, अभी आप मालिक कॉरपोरेशन पे, यहाँ पे कोई नगर सेवक या कोई सभागृह नेता या कोई महापौर है नहीं, तो आपके हाथ में है, आप जितने प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजोगे उतने प्रस्ताव मंजूर होके आएंगे, उसके लिए फॉलोअप हम लोग लेंगे। बिल्कुल, ऐसे मंत्री साहब ने उनको कहा और उन्होंने वो मान्य भी किया कि कुछ इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से वो नेता लोगों के पीछे घूमने में उनको ये है, लेकिन ये DPR बनाने के लिए उनको टाइम नहीं है। सही बात है। ठीक है। तो दादा हम कहेंगे कि ये जो आपका कैंप है वाकई में बहुत ग्रैंड है और बहुत सक्सेस हो, इसकी शुभकामनाएं। सभी लोगों को मैं मेरे तरफ से और पूरे भिवंडी वासियों को, जो गरीब लोगों की तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री साहब को जो 5 तारीख की जो दुआ मिलेंगी, मुझे लगता है ये जरूरी था भिवंडी में, ऐसे मुझे लगता है। राजनीति तो होती रहती, आरोप प्रत्यारोप होते रहते, रोड रास्ते तो बनते रहेंगे, लेकिन लोगों की हेल्थ का विषय आता है तो कपिल पाटिल फाउंडेशन, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब लोगों के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।